हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं चंडीगढ़ सेक्टर 38 वेस्ट में आया हुआ हूँ। यहाँ पे आज 1 जनवरी है, तो आज मैं इन बच्चों के सामने ये क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि आज क्या है। आइए चलो पूछते बेटा, आज क्या है? न्यू ईयर। अच्छा ठीक है, न्यू ईयर क्यों मनाते हो? ताकि हम नए साल की सेलिब्रेशन कर सके और मज़ा कर सके। ये अच्छा, एक बात बताओ, ये न्यू ईयर कौन सा वाला है तुम? 2020। अच्छा, ये किन्होंने बनाया था ये न्यू ईयर? किन लोगों ने बनाया था ये बताओ। ये तो पता नहीं। अच्छा, भारतीय नववर्ष जानते हो क्या, कौन सा है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, आए चलो इनसे पूछते हैं। आपका नाम? सिया। तो फिर आज क्या है? आज न्यू ईयर है। अच्छा न्यू ईयर है, और बताओ कि कौन सा वाला न्यू ईयर है ये बताओ। 2020। अच्छा, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से या फिर ईसाइयों की तरफ से? ईसाइयों वाले कैलेंडर की तरफ से। ईसाइयों वाले कैलेंडर। ठीक है, भारतीय नववर्ष के बारे में पता है? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज इनाया। अच्छा इनाया, क्या तुम बता सकती हो आज कौन सा, आज हम क्या बना रहे हैं, आज कौन सी तारीख है, क्या बना रहे हैं हम? आज 1 जनवरी है और आज न्यू ईयर है। भारतीय नववर्ष के बारे में जानती हो? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जिया। अच्छा, और भारतीय नववर्ष के बारे में जानती हो? अच्छा, कब आता है? पता नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को पता था कि आज नववर्ष है और उसकी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन बदनसीबी से किसी ने ये नहीं बताया कि भारतीय नववर्ष है। यहाँ तक कि इनको ये भी नहीं पता था कि भारतीय नववर्ष है ही क्या। तो मेरी आप सबसे निवेदन करता हूँ कि भारतीय नववर्ष मनाइए, ये 25 मार्च 2020 को, अपनी संस्कृति ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।